मुझे भी एडिशनल आईजी साहब का कॉल आया था, उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ टीवी पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि बच्ची हमारे पास मौजूद है, एडिशनल आईजी साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है? तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने देनी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के आईजी साहब से पूछे तो पंजाब के आईजी साहब भी इसे क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है। अभी तो उसी चैनल पे वो जो एसएचओ की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, ठीक है। इतने कहा नाम है कि काफ़ी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर जो टीम लिखी हुई है, मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी, मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं, अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आपको पता चल जाए। नहीं, निकाहनामा वाली ऐसी कोई बात बीच में अभी तक तो नहीं है। तो बच्ची तो वैसे ही अंडर एज है, वो 13 ईयर की है, तो निकाह तक कोई चक्कर बनता ही नहीं है। पहले भी इसी तरीके से एक जाली वीडियो आई थी, उसके बाद अब ये जाली निकाहनामा पहले आपको पता है वो सीसीटीवी आई थी, उसके बाद वो जो सांगड़ से बच्ची मिली उसे भी मेरी बच्ची बना दी। मेहंदी भाई मुतमईन है आप, मिल गई कोई बातचीत वगैरह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अभी तक भाभी की कोई बात हुई? नहीं कुछ भी नहीं, अभी मामू पहुँच गए, किसी बात सर कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं। नहीं वो ये बच्ची नहीं है, वो दूसरी कोई बच्ची है, वो इस बच्ची के मामला नहीं। इनका तो बेफाम हमने खुद मैडम को दिखाया है और मैडम देख के शॉक हुई है कि ये बच्ची तो अभी 14 साल की भी नहीं। मीडिया में खबर चल रही है लेकिन आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि लाइन में अभी मैं बाईगार्ड, मुझे मीडिया से पता चला था, मैंने उसके बाद एसएसपी साहब से कॉल की, उन्होंने वो शायद मसरूफ थे कॉल नहीं उठा सके, फिर मुझे एआईजी मेमन साहब की कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो कहते मैं कंफर्म करता हूँ, वो करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। माँ बाप परेशान है, अब देखें माँ बाप तो जब तक बच्ची को देख नहीं लेते जी जी जी, तो उनके जान में जान नहीं है, उनके तो रोटी भी हालत से नहीं गुजरती, उनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बता दे ना सो रहे हैं ना मतलब अभी तक कोई बात नहीं। तो तस्वीर वगैरह भी नहीं, अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, रेंजर्स पुलिस ने आपसे रब्ता किया? अभी जस्ट वर्बली आके हुए मैडम आई हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम के आने का। ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्हें बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी? देखिए मैं किसी पे फिलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं है। ये गलत है सर, ये फेक न्यूज है, सारी फेक, सब फेक न्यूज चल रही है। हो सकता है बाय फोर्स लेके गए, अच्छा मतलब बाय फोर्स ये कि वर्गला के चले, कुछ ऐसे मतलब कि ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है गैंग्स काम कर रही हैं, वो क्या करते हैं कि वो अंडर एज बच्चों को जो ना टारगेट करते हैं। तो देखिए आप जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे और आपको बहुत है। देखिए मैं ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए, बस अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाए मेरे पास।